वेल दोस्तों, अगर आप भी ओला S1X की तरफ जो देख रहे हो तो भाई ध्यान से थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो ना प्राइसिंग जो आपको एडवर्टाइज करा जा रहा है कि 79,000 यानी कि 80,000 में आपको जो ना 80,000 किलोमीटर का मतलब मिलेगा, तो बट यहाँ पे प्राइसिंग का थोड़ा सा यहाँ पे हिडन चार्जेस भी रखा गया है। अगर आप सोचोगे कि 80,000 में मैं जाऊँगा शोरूम में या फिर बुक करूँगा, आपको बाइक वगैरह मिल जाएगा, ईवी व्हीकल 80,000 में मिल जाएगा, तो ये आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। इसकी और भी एडिशनल कॉस्ट आपको देने पड़ेगी और उसके दिए बिना आप जो है ना गाड़ी आप नहीं ले सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको सारी मॉडल के जो ना एक्चुअल प्राइसेस क्या है जो जब आप खरीदने जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा, वो मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि काफी लोगों को जो ना थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ 80,000 में गाड़ी मिल रहा है, तो वह असली सच्चाई मैं बताता हूं। एंड जैसा कि यहां पे दोस्तों देख रहे हो, एक्चुअल में जो ओला का S1X है जो कि 2 kW का बेस वेरिएंट है, जिसका एडवर्टाइज आपको जो ना 79,000 रुपीस करके करा जा रहा है, मान लें कि यानी 80,000 रुपए, उसका एक्चुअल में ऑन रोड प्राइस जाकर के आपको 91,346 रुपीस पड़ेगा बैंगलोर में। एंड अगेन ये बैंगलोर या फिर दूसरे सिटी या फिर दूसरे RTO के हिसाब से जो ना प्राइसिंग ऊपर नीचे होगा, वो भी मैं बताऊंगा कितना। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, इतना मेहनत से आपको जो ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं। एंड यहाँ पे जैसे दूसरे मॉडल्स वगैरह है दोस्तों, जैसे ओला का S1X जो 3 kW का है, जो एडवर्टाइज करा जाता है 89,000 रुपीज का, बट एक्चुअल में आपको मिलेगा 101,540 रुपीज दोस्तों। अब मैं क्यों चार्जेस वगैरह है ये मैं बता देना चाहता हूं। देखो, जो प्राइसिंग आपको एडवर्टाइजमेंट करा जा रहा है वो जाकर के एक्स शोरूम प्राइस है, और उसके बाद में आपको एडिशनल चार्जेस लगेंगे, जैसे कि आपको जो RTO का चार्जेस होता है उसका चार्जेस एंड इंश्योरेंस का चार्जेस अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीस। एंड ये सब चार्जेस मिला करके आपको हर एक मॉडल पे मिनिमम से जाकर मिनिमम 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तभी आप इस गाड़ी को ले सकते हो। जैसे कि ओला का S1X प्लस है, जिसका अगेन 90,000 कहा जा रहा है, बट उसका 101,697 यानी कि करीबन 12,000 रुपए आपको लगभग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड इसके साथ में जो 4 kW का है जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, 110,000 कहा जा रहा है, वहां पे आपको जो ना 121,926 यानी यहां पे भी आपको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि आपके एडिशनल कॉस्ट वगैरह आते हैं, जिसमें आपको एक्चुअल में जो राइड रेंज, अगेन जो कंपनी जो क्लेम कर रहा है कि 150 किलोमीटर पर चार्ज पे मिलेगा, बट एक्चुअल में जाकर के आपको जो ना 91 किलोमीटर के यू नो लिस्टेड रिव्यू के हिसाब से आ रहा, बट ऑन रोड में कितना आएगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो उसका भी टेस्ट करके मैं आपको जो ना चीजें वीडियो वगैरह बताऊंगा। बट हाँ, आपको टॉप स्पीड वगैरह ये मिल जाता है, 101 kg का ओवरऑल वेट वगैरह है। बट हाँ, इसमें जो बेस वेरिएंट अगर आप खरीदने जाओगे जो कि 1 lakh रुपीस का पड़ जाएगा आपको, वहाँ पे आपको जो है ना लोअर फीचर्स है, कुछ जैसे GPS वाले फीचर्स नहीं है, उसका डिस्प्ले थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का दिया गया है, साथ में जो चार्जिंग टाइम है वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका चार्जर जाकर के 500 वॉट्स का दिया जाता है, जो अपो वेरिएंट है उसमें जाकर के 750 वॉट्स का दिया जाता है। साथ ही में आपको जो है ना जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलता है, जो वहाँ पे डिस्क ब्रेक्स वगैरह नहीं मिलता, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है आप हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हो, और आजकल के टाइम में जो है ना ईवी व्हीकल आप दे रहे हो तो वहाँ पे जो है ना एक डिस्क ब्रेक रहना बहुत ही जरूरी होता है। एंड आप लोग सोच रहे हो कि इतना सस्ते अमाउंट पे कैसे दे रहा है, तो ये रहा सभी हिडन चार्जेस जो मैंने आपको बताऊं। एंड अगेन गाइस, इसके ऊपर जो ना बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बहुत लोगों ने गाड़ियों को खरीदा एंड बहुत सारे नेगेटिव रिमार्क वगैरह भी आ रहे हैं, अगर उस चीज के बारे में जानना है तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों चैनल को, क्योंकि देखो हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसे रिसर्च करके आप लोगों के लिए सही सही वीडियोस मैं बना पाता हूं, जिसके लिए आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएं कि क्या आप ओला का S1X जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है अभी लॉन्च हुआ है वो आप खरीदना चाहोगे। एंड अगेन जो प्राइसिंग मैंने बताया था कि एंड में आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे देखो लोकेशन वाइज आपको जो ना प्राइसिंग चेंज होगा, जैसे कि जो बेस वेरिएंट है S1X वाला प्राइस जो यहाँ पे है 91,000 बैंगलोर में, मुंबई में लोगे तो 90,834 पड़ेगा, बैंगलोर में 91,346 पड़ेगा, दिल्ली में 90,529 पड़ेगा, पुणे में 90,834 पड़ेगा, एंड अगेन हैदराबाद में भी 90,500 है, एंड चेन्नई में आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है जो कि 91,467 है,
एंड अगेन कोलकाता में जाके सबसे ज्यादा महंगा है 96,242 है, एंड लखनऊ में जाकर के 90,549. अगेन थोड़ा बहुत देखो जो भी प्राइसिंग मैंने बताया, 1,000 लगभग जो ना आपको ऊपर नीचे पड़ेगा. जैसे देखा चेन्नई में थोड़ा ज्यादा कॉस्ट है. तो बाकी यस, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना. बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के. मैं तब तक लिए जय हिंद जय भारत.